ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬੈਠੀ ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਦ ਛੇੜਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਾਗੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਖੇਡੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਵਾ कितने लोग चाहते हैं छुटकारा? छुटकारे के लिए वचन को पूरा करना पड़ता है। बोलो क्या है? आपने अभी देखा वीडियो में कि प्रार्थना तो हुई। बोलो क्या? प्रार्थना, प्रार्थना तो हुई, दुष्टात्मा तो चले गया, पर जो उस रोग का प्रभाव था अभी भी था। इसी तरह से रास्ते खुलते हैं जब खुदा के वचन को पूरा करते हैं। तो वचन दे दिया कि तीन दिन में क्या होगा। हालेलुया। धनी का नाम सरबजीत कौर है और जे मकरमंडी गांव के रहने वाले और इनकी गवाही चे जे बता रहे कि 2 महीने हो गए थे इनके पेट में दर्द रहती थी और जे बता रहे कि पहले थोड़ी दर्द थी और इसके लिए इन्होंने मेडिसिन ली और जे मेडिसिन भी खा रहे थे फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और जे बता रहे फिर जे दर्द इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इनके सहने से इनके बर्दाश्त से भी बाहर थी, इतनी ज़्यादा दर्द थी और जो बता रहे कि फिर से इन्होंने मेडिसिन खाई पर फिर भी इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और इसके लिए जब बता रहे जैसे जब इनको दर्द शुरू होती थी तो इतनी ज़्यादा भयानक दर्द थी जो बता रहे कि जो बैठ नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे, इतनी ज़्यादा दर्द थी और जैसे जो लगातार मेडिसिन खा रहे थे पर फ़र्क नहीं पड़ रहा था और फिर जब बता रहे कि घर का इसके इस दर्द के कारण जो अपने घर का कोई भी काम नहीं कर सकते थे, जो काफ़ी परेशान हो चुके थे और फिर से इन्होंने मेडिसिन भी ली और इन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गांव में ही 4 डॉक्टर बदल लिए, मेडिसिन खा रहे थे पर किसी से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि दर्द के कारण रात के समय इन्हें नींद नहीं आती थी और जो बेड पर ही रहते लेटे रहते थे। जहाँ तक जो बता रहे जब इन्हें दर्द बहुत ज़्यादा इनके दर्द थी तो जब वॉशरूम में इन्हें जब जो वॉशरूम जाने की कोशिश करते तो तब भी इनसे चला नहीं जाता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जो चलते थे और जो बता रहे कि पूरे 15 दिन बाद जो बता रहे कि फिर इनसे जो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे दर्द के कारण, इनका मन नहीं कर रहा था और जो प्रेयर में बैठने की कोशिश भी करते थे, प्रार्थना करते पर इनसे प्रेयर भी नहीं हो रही थी, इनका मन नहीं लग रहा था और जो काफ़ी परेशान हो चुके थे। और जो बता रहे कि जिस डॉक्टर से मेडिसिन खा रहे थे तो उसने इनको बोला कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करा ले क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा दर्द में, आप इतनी तकलीफ़ में हो और इतनी मेडिसिन भी खा ली आपको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराना था और उसके पहले इन्होंने फिर से परमेश्वर के दास के साथ जैसे मीटिंग की और जब मीटिंग की जैसे फिर परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए जब प्रेयर हुई तो जो बता रहे कि उस दिन भी जो काफ़ी प्रॉब्लम में थे और जैसे इनके लिए प्रेयर हुई तो जो बता रहे कि उस समय दुष्ट आत्मा इन पर हैवी हो गया और दर्द के कारण जो बहुत परेशान थे, जैसे दुष्ट आत्मा हैवी हो गया, प्रकट हो गया और उस समय के हम वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। परमेश्वर ने वादा किया है ने तेन मैं दसा परमेश्वर ने वादा किया भी मैं परमेश्वर जी ताडे आगे आज तो मैं प्रार्थना करूंगी मैं नहीं इन प्रार्थना ते बैठ देना है करे प्रार्थना पड़ा प्रार्थना ते बैंदी फिरदी मैं उदा ही दर्द छेड़ दित्ती इहदे प्रार्थना ते बैंदी अज तो सवेर तो आंदी मैं प्रार्थना ते बहना शुरू करना वा करे पड़ा प्रार्थना किस तरह करदी है प्रार्थना जो मन नहीं लगन देना है मैं इन बड़े दिन का प्रार्थना तटाया इन मैं नहीं कड़न देना मैं रब बड़ा
ये उदो मेरा मन रोक देना ये बाद में जेनु चेता जाना भी मैं कटिया नहीं है फिर दोबारा कर दिया मेरा मन पीछे तो ना विधान जिस वहां नहीं कटना कोई नियम नहीं मैं पूरा कर देना मैं नहीं कर देना नियम पूरा कोई परमेश्वर की आज्ञा मैं नहीं मन देना मैं नहीं छड़ना इन मैं मारना वा मारना इन मैं मारना वा बकवास बकवास नहीं आ मेरी बकवास नहीं मेरी मैं नहीं छड़ना मैं नहीं छड़ना इन मैं उल्टा सुन करा के गद्दी गेड़े पाना इन मैं बड़े सिर छड़िया पेट नू इधर लात लिया मैं जरा इने चे तो इन मैं चंगी किता ही इन मैं छड़ के चंगी किता ही मेनू ना कडो तुही ना किसी दे विच नहीं जो मेनू रहन देंदे क्यों मेरा पठा भलन डे जो तुही मैं जिदे को जाना मैं ओदे कोलो ही तुही मेनू पजा देंदे जो किदे को जावा मैं परमेश्वर नाल वादा करन दी आ उधर गल सुन चुप करके मैं प्रार्थना करनी आज तो मैं रोज और जैसे कि हमने देखा इसमें हुआ था और जैसे प्रेयर हुई परमेश्वर के दास के द्वारा दुष्ट आत्मा तो इनके जीवन से चला गया पर हालात अभी भी था और इनके पेट में दर्द थी और पेट भी इनका बहुत ज़्यादा फूल गया था। हम उस समय की पिक को भी देख सकते हैं। और जिसके कारण जो बता रहे जब इनका पेट फूल गया था और जो काफ़ी परेशान हो चुके थे और जो बता रहे कि जैसे फिर से इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की बात की और जो बता रहे फिर परमेश्वर के दास ने इनको और भी टीच किया कि आपको प्रेयर की बहुत ज़रूरत है और अपने प्रेयर में आना है। तो जो बता रहे हैं कि इनका इन्होंने बताया कि हम प्रार्थना में बैठ नहीं सकते क्योंकि पूरा दिन ऐसे दर्द के कारण जो लेटे रहते थे और 15 दिन से कुछ ना खाने के कारण भी जो काफ़ी परेशान थे इनका कुछ मन नहीं कर रहा था। पर जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया कि चाहे हालात है दर्द है प्रॉब्लम में भी हो पर आपको प्रेयर को अटेंड करना है जब आप प्रार्थना में आओगे तो परमेश्वर आपको इस हालात से जल्दी फ्री करेंगे। तो जैसे जब जब फर्स्ट डे मंडे के दिन जब प्रार्थना में आए फर्स्ट डे तो जब बता रहे जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में थे दर्द में थे और इनसे प्रेयर नहीं हो पा रही थी उस समय जो लेटे थे और लेट कर ही जो प्रार्थना ऐसे कर रहे थे हम उस समय भी की वीडियो को भी स्क्रीन पर देख सकते क्योंकि इनसे प्रेयर भी नहीं हो पा रही थी और जी बहुत ज्यादा तकलीफ में थे और इन्होंने बताया कि बिल्कुल भी इनसे प्रेयर नहीं हो रही थी। पर जैसे कि प्रेयर में परमेश्वर के दास भी उन दिनों में प्रेयर में आ रहे थे और जैसे ही परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे तो उसी दिन ही परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने अगुवाई की और इनके इनके छुटकारे के लिए वचन दिया कि परमेश्वर आपको 3 दिन में पूरी तरह से हील करेंगे और आपने 3 दिन तक लगातार प्रेयर में आना है। तो जो बता रहे कि जैसे फिर जब फर्स्ट डे आए फिर इन्होंने सेकंड डे प्रेयर में आए हम उस दिन के भी वीडियो को स्क्रीन पर देखते हैं। ऐसे
जैसे फिर जिस सेकंड डे भी प्रेयर में आए और जब बता जैसे कि हम देख सकते हैं वीडियो में कि जब पहले दिन बहुत ज़्यादा इन पर हालात था, बहुत ज़्यादा दर्द थी, तकलीफ थी, पर जैसे ही परमेश्वर ने अपने दास को वचन दिया तो जो सेकंड डे जब इन्होंने प्रेयर की तो दर्द से इनको काफ़ी फर्क था, क्योंकि ये लेट कर पहले दिन प्रेयर कर रहे थे पर हमने देखा कि सेकेंड डे बैठ कर प्रेयर कर रहे थे क्योंकि इनको परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से परमेश्वर इनको कुछ अच्छा कर दिया, क्योंकि जितनी तकलीफ थी उससे बहुत ज़्यादा उस हालात से परमेश्वर इनको अच्छा किया था। और फिर से परमेश्वर के दास ने उस दिन भी इनको टीच किया कि परमेश्वर आपको कल के दिन पूरी तरह से फ्री कर देंगे। और जब बता रहे कि जैसे फिर इन्होंने थर्ड दिन प्रेयर की और उस दिन पूरी तरह से वो हालात ख़त्म हो गया था, और जो कि इन्होंने 15 दिन से खाना नहीं खाया था, इनका मन नहीं कर रहा था, और जब बता रहे कि उस दिन रात के समय इन्होंने खाना भी खाया और इनको खाना पच गया और जो इनका पेट फूल गया था और वो उससे भी परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको हील कर दिया। पर जो इन्होंने वचन को पूरा किया और लगातार फिर जिन्होंने 6 दिन तक प्रेयर में रहे और जो इनका प्रार्थना में मन नहीं लगता था, इनसे प्रेयर नहीं हो पा रही थी, परमेश्वर ने इनको प्रेयर में और भी स्ट्रांग किया और जितना भी जो इनएक्टिविटी का हालात था, इस दर्द के कारण परेशान थे, इतने डॉक्टर भी चेंज कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इनको छुटकारा दे दिया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते। कितने लोग चाहते हैं आज छुटकारा? छुटकारे के लिए वचन को पूरा करना पड़ता है। बोलो क्या है? आपने अभी देखा वीडियो में कि प्रार्थना तो हुई। बोलो क्या? प्रार्थना तो हुई, दुष्टात्मा तो चले गया, पर जो उस रोग का प्रभाव था अभी भी था। क्या कहते थे डॉक्टर उनको? माइक को दे दो। जय मसीह दी पापा जी। जो मैं दवाई मतलब प्रार्थना ते बहनी हां ते मेरे नहीं, को जो पेट जो आपका पेट फूल गया था पेट तो पापा जी मेरे को सीधी हो के तुरया भी नहीं जांदा पापा जी। मैं निवेला की तुरदी हां, मेरे को सीधी कुबड़े हो के ऐसे चलते थे। हां जी पापा जी, मेरे को तां दे होया नहीं जांदा, मैं कुबी हो। बाथरूम भी आप कैसे जाते थे? हां जी कुबे हो के जाने हैं, मेरे को तां नहीं होया जांदा पापा जी। दर्द के कारण बहुत ज्यादा पापा जी। बोलो किसके कारण? दर्द के कारण। फिर पापा जी इतनी ज्यादा दर्द थी, वो मेनू पता ते चाहे परमात्मा नु पता जिस तरह मैं इतनी ज्यादा तकलीफ थी, ज्यादा दर्द थी ते दवाई मैं पिंडो 3-4 दिन 3-4 डॉक्टर बदले, मतलब ओना को मेनू कोई भी फर्क नहीं पिया हुई ते कहंदे भी अल्ट्रासाउंड कराओ अपनी जे तानू दवाई नहीं लगन दई ते अल्ट्रासाउंड कराओ, मेनू कोई भी दवाई असर नहीं करदी पापा जी। जिदन तो ताडे को प्रे होई मेनू ओदन तो ही मुड़ के दवाई भी मैं लई ते ओदन तो ही मेनू दवाई लग गई। सुनो, क्योंकि जब नेगेटिविटी का प्रभाव होता है, बोलो क्या होता है? बोलो नेगेटिविटी का प्रभाव। शैतान क्या बोल रहा था? मैं अल्ट्रासाउंड के चक्कर में आप इनको डालूंगा, अभी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इसी तरह से लोगों के साथ होता है जो स्पिरिट में नहीं, आत्मा में नहीं, आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, वो नहीं समझते परमेश्वर क्या चाहता है, ऐसे ही उन्हें उलझनों में डालता है। फिर बोलो क्या है? धन्यवाद है उस परमेश्वर का जिसने मेरी अगुवाई की और इन्हें छुटकारा दिया। बोलो क्या? दुष्टात्मा तो चलेगी पर प्रॉब्लम अभी भी थी, दर्द थी, आपने देखा अभी। बोलो क्या है? जो यहां पे क्या रखी गई ना, एक हफ्ते की प्रेयर रखी गई। जब पहले दिन आए तो उस दिन बड़ी दर्द थी, अपने देखा अभी लेटे हुए थे और लेट के कर रहे थे क्योंकि बैठा तो जा नहीं रहा था। पर उसी दिन जब 4 बजे हमने आमीन करके समाप्ति की तो उसी समय ये आए और मैंने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर परमेश्वर ने ऐसे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो खुदा ने इनके लिए मेरे मन में अपना वचन दे दिया। बोलो क्या दे दिया? इसी तरह से रास्ते खुलते हैं जब हम खुदा के वचन को पूरा करते हैं। तो वचन दे दिया कि 3 दिन में क्या हो जाएंगे। 3 दिन के अंदर देखो कितनी मेडिसिन खाई, कितने डॉक्टर बदल दिए, कुछ नहीं हुआ। पर उसी दिन जब ये प्रार्थना में बैठे थे और मैं भी सबके लिए प्रार्थना कर रहा था, जितने लोग आए थे
मैं सबके लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा था जो लोग आए थे उस दिन पहले दिन, और परमेश्वर ने ऐसे मेरे मन में अपनी सुविच्छा को डाला कि इनको बोल मैं 3 दिन के अंदर अंदर क्या कर दूंगा। और सेकंड डे अपने दूसरा क्लिप देखा वीडियो का, तब ये बैठकर आराम से क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है उस दिन। बोलो क्या है, तीसरा दिन आया, सारा हालात खत्म, 15 दिन कुछ खाया नहीं। फिर क्या खाया पर तीसरे दिन क्या खाया फिर आपने? पापा जी मैं इतने अद्धी रोटी खाधी ही, इतना फुलका इन्हें कबलोना ने मैंने इतना देते हैं, मेरे को खादा नहीं जाता है। तीसरे दिन मतलब दाल नाल फुलका एक पेंगे खादा, मतलब कि मैं करे जाके 3 फुलके खाते। फिर उसी दिन कर घर जाकर फिर 3 रोटियां और खा ली। हाँ जी पापा जी, ये देख लो, ये है जो खुदा स्वर्ग से देता है। एक बंदा 15 दिन से कुछ खा नहीं रहा, और जैसे वचन पूरा हो रहा है तीसरा दिन का, पहले दिन ही परमेश्वर ने है ना, पहले दिन तो वचन दिया, दूसरे दिन प्रेयर में मन से बैठे आराम से बैठे कर रहे हैं, तीसरा दिन आया हालात खत्म, यहां से एक डेढ़ रोटी खाकर जा रहे हैं और घर में जाकर 3 खा रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं, और सारा हालात क्या हो गया है, खत्म हो गया है। पर सबसे मेन चीज क्या है, शैतान बोल रहा था कि तू बहुत कहती है मैं प्रार्थना करूंगी मैं तुझे करने, तू बड़ा कहती है मैं प्रार्थना में बैठूंगी प्रार्थना करूंगी कल, मैंने तुझे करनी नहीं देनी प्रार्थना। बोलो मैंने तुझे प्रार्थना करनी देनी नहीं। फिर साथ में बोल रहा है तू दशमांश की बात कर रहा था शैतान कि तू बहुत निकालती है, मैं तुझे मतलब बुलाता हूं, मतलब कि भूल जाइए ये फिर याद करके क्या करती है। ये सारा चीजें कौन कर रहा था, कौन इन्हें रोक रहा था? जब प्रार्थना यहां पे रखी, बोलो क्या है, दुष्टात्मा तो चलेगी पर तकलीफ में थे। मैंने आने के लिए कहा कि भवन में 1 हफ्ते की प्रेयर है। बोलो क्या, भवन में 1 हफ्ते की प्रेयर है। बोलो क्या, भवन में 1 हफ्ते की प्रेयर है। तो ये कहते मेरा मुझसे आया नहीं जाएगा। बोलो क्या, तकलीफ है, बैठा नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, तो हमने उत्साहित किया नहीं आओ। बोलो क्या आया, आओ जैसे वचन को पूरा किया आज आपके सामने भले चंगे हैं। बोलो क्या है, आज आपके सामने भले चंगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पेट नहीं, कोई अभी अल्ट्रासाउंड करवाया था नहीं करवाया, कुछ नहीं कराया, अगर करवाते तो पता नहीं उसमें क्या आता, क्योंकि पेट फूल गया था, पता नहीं फिर अगर पता नहीं शैतान कौन से चक्रों में डालता। इसी तरह से दुनिया वाले इन चक्रों ये समझो वो क्या चाहता, अगर तुम भी नहीं समझोगे तो फिर कौन फिर से वो डालेगा, कौन आपको भी चक्रों में डालेगा, इसलिए समझो वो क्या चाहता है। इसलिए किसके साथ जियो, बोलो किसके साथ जियो, किसकी इच्छा को मानो। बोलो क्या है, किसकी इच्छा को मानो। अब मेहनत की तो खुदा ने प्रतिफल भी दिया। बोलो क्या दिया, आज कितने बीमार है, मैंने कहा सारे चंगे होकर जाएंगे। जितने भी हालातों में जो चीजें चाहिए, वीजा चाहिए, कुछ चाहिए, सब चाहिए, जो चाहिए खुदा दे देगा। पर आज परमेश्वर उस चीज को पूरा करने के लिए आपको वचन देगा आज। और फिर आप जितने भी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं वो भी यहाँ पे खड़े होकर अपनी बरकत की गवाही, अपनी छुटकारे की, बच्चों की, घर की, बिजनेस की, जो भी चीज है वो भी देंगे, सेम ऐसे देंगे। आमेन। मैंने कहा वो भी देंगे, अब तो नहीं कोई तकलीफ, अब खा पी रहे हो अच्छा, खुदा ने फ्री कर दिया ना। हाँ जी पापा जी, चेहरे से पता चल रहा है। अब थोड़ा सा इसको साइड से करो, ये स्वेटर को, हाँ ये देखो, उस दिन और उस आज देखो है ना, वो सामर्थी है कि नहीं है, वो काम करता है कि नहीं करता, बोलो। पर वो नियम से करता है, बोलो क्या करता है, नियम से करता है, नियम से। और जो लोग नियम को फॉलो करते हैं फिर वो छुटकारा पाते हैं जैसे इन्होंने पा लिया।
तारीफ कर दो, मेरे ये जोर से तारीफ कर दे, जोर भी क्या बात है। सब अपने हाथों को हिला दो, मेरे ये यीशु जी दे जोर भी क्या बात है। जोर से हालेलुया बोल दो।